क्वेश्चन में कह रहा है क्या है कि इसका एक फेस है जो रेक्टेंगुलर फेस है वो हमारा क्या है, रेस्ट है वन ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर फेस ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये जो रेक्टेंगुलर फेस है ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। यहाँ पे ये जो डायग्राम देख रहे हो एकदम क्लियर दिखा रहा है कि हमारा ये जो फेस है ये रेक्टेंगुलर फेस यहाँ पे हमारा क्या है, इस पर रेस्ट कर रहा है और विद द एक्सिस इंक्लाइन एट 45 डिग्री वर्टिकल प्लेन। तो ये जो यहाँ पे रोटेशन दिखा है, रोटेशन हमारा क्या है यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे आपको देखिएगा तो ये जो वर्टिकल प्लेन से इससे 45 डिग्री है। तो 45 डिग्री कैसे हम इसे डिफाइन कर पाएंगे, तो जो हमारा ये एक्सिस होगा यहाँ से, ये जो एक्सिस है इसके मिड सेंटर से, ये एक्सिस क्या कर रहा है, यहाँ से जो एक्सिस होगा वो वर्टिकल प्लेन से कितना एंगल बनाएगा, तो 45 डिग्री का। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अगर ये हमारा एक्सिस है तो यहाँ पे जो एंगल बना रहे कितने का बना रहे, ये 45 डिग्री का। और फाइनल जो हमें ड्रॉ करना है ये हमारा प्रोजेक्शन है, ये फ्रंट का प्रोजेक्शन है, ये टॉप का प्रोजेक्शन है। फाइनली जो हमें डायग्राम बनाना है, हमारे डायग्राम जो इसी तरह बनाना है। थोड़ा सा हम लोग सॉलिड मॉडल में भी देख लेंगे कि सॉलिड मॉडल में हमारा ये कैसा दिखता है। तो यहाँ पे हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं सॉलिड वर्क्स का, और सॉलिड वर्क्स में यही प्रोफाइल को हमने ड्रॉ कर रखा है। तो ये हमारा पेंटागन प्रिज्म है, पेंटागन प्रिज्म यहाँ से सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, पेंटागन प्रिज्म है। और इसका ये जो लंबाई है वो हमारे कितने का है, 50 mm का, और इसका बेस है 25 mm का। और वर्टिकल प्लेन से यही जो एंगल बना रही है हमारा 45 डिग्री का, यानी कि जो एंगल यहाँ पे ये हमारा कितने का बना रहा है, यहाँ सेंटर से अगर लेंगे तो ये हमारा 45 डिग्री का है। अब हमें क्या करना है, ये प्रोफाइल को हमें ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है क्या कि प्रोजेक्शन हमें डिफाइन करना है, प्रोजेक्शन को हमें क्या करना है, डिफाइन करना है। तो हम लोग उसको देखते हैं कैसे हम लोग उसको ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे देखना, हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं थोड़ा कलर को चेंज कर ले रहा हूँ। हाँ ओके, यहाँ से मैं इस कलर को कंसीडर कर, थोड़ा लाइट कलर को मैं कंसीडर करूँगा। और यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो रेफरेंस लाइन से पहले अगर हमें पेंटागन ड्रॉ करना हो तो हम लोग पेंटागन कैसे ड्रॉ करेंगे, तो मैं थोड़ा सा उसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो पेंटागन का जो हमारा बेस है वो हमारा क्या है, 25 का है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 25 लेंथ का मैंने एक बेस तैयार कर लिया, बहुत ही स्मॉल है। थोड़ा मैं इसको स्क्रॉल करके डिफाइन कर दे रहा हूँ। और क्या कह रहा है कि ये जो एंगल है ये हमारा क्या होगा, जो पेंटागन होता है हमारा एंगल क्या होता है, 108 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे हमने 108 डिग्री डिफाइन कर दिया, 25 और 108 का। ईज़िली हम लोग इसको कंपास का यूज़ करके या जो हमारा प्रोटेक्टर हुआ उसे ईजिली हम लोग डिफाइन कर लेंगे। यहाँ से 108 डिग्री, ये 90 हो गया, और 108 यहाँ पे हम लोग अपना प्रोटेक्टर को रखेंगे और ईजिली इसको हम लोग डिफाइन कर लेंगे। सेम यहाँ भी रिपीट करेंगे, प्रोटेक्टर को यहाँ रख के 108 का यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे। मैं यहाँ पे इसको मिरर कर ले रहा हूँ, इसको मैं मिरर कर रहा हूँ। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने ये ड्रो कर लिया हमारा 25 का है, यहाँ पे हम लोग इसके लेंथ को भी मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा ये लेंथ है, ये लेंथ गिवन है 25 का, ठीक है, हमारा 25 का लेंथ है। अब हमें क्या करना है कि रेस्ट जो हमारा ये भी 108 डिग्री का हुआ, तो उसे कैसे ड्रो करेंगे। तो सिंपली हमें क्या जाना है, हमें प्रोटेक्टर का यूज़ करना है, सॉरी प्रोटेक्टर बोल रहा हूँ, कंपास का यूज़ करेंगे। और कंपास का यूज़ करने के बाद क्या करेंगे, 25 हम लोग क्या करेंगे, 25 ये लेंथ हमारा 25 पर, 25 पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस पॉइंट से एक कट मार्क लेंगे, यहाँ से 25 का एक कट मार्क लेंगे, 25 का। और सिंपली एक यहाँ पे मैंने कट कर दिया। सेम इस चीज़ को मैं हम लोग फिर से रिपीट करेंगे, 25 का यहाँ पे अपना कंपास के टिप को और पेंसिल को टिप को कहाँ रखेंगे, यहाँ पे, और 25 मेजर करके इसको हम लोग कट करेंगे, 25 और इसको हम लोग कट करेंगे। तो यहाँ पे एक कट नहीं हो पा रहा है, कोई नहीं, थोड़ा सा इसको हम लोग क्या कर लेंगे, ये कट नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा स्मॉल लाइन को ले लिया था मैं, फिर से यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ चीज़ों को। यहाँ से मैं 25 और इसको कट कर देना है यहाँ पे, सॉरी ट्वेंटी फाइव, और यहाँ से ये कट हो जाएगा। अब क्या करना है, सिंपली लाइन में जाना है और ये पॉइंट और कटिंग पॉइंट को हम लोग क्या कर लेंगे, इसको मिला लेंगे, तो हमारा ये पेंटागन बन जाएगा। यहाँ पे हम लोग एंगल देख सकते हैं, 108 डिग्री का जो एंगल है यहाँ पे हमारा आ जा रहा है, चलो कट है। अब हमें क्या करना है, ये हमारा मेन प्रोफाइल ड्रॉ हो गया, ये हमारा क्या है, मेन प्रोफाइल है। अभी हमें क्या करना है, जब ये प्रोफाइल को हमने ड्रॉ कर लिया, एक मैं एक रेफरेंस लाइन ले रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन, यहाँ से मैं एक रेफरेंस लाइन ले रहा हूँ
और इसी के रिस्पेक्ट हम लोग सारे प्रोफाइल को हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये जो मेरा मेन प्रोफाइल है इसको मैं क्या कर ले रहा हूँ, थोड़ा ठीक कर ले रहा हूँ। और इसको ठीक करने के लिए मैं सिंपली कुछ नहीं करूँगा, इसको कलर को चेंज कर रहा हूँ और इसके थिकनेस को भी थोड़ा सा मैं चेंज कर दूँगा ताकि समझने में क्या हो आसानी हो। ये हमारा प्रोफाइल ड्रॉ हो गया। ये हमारा जो भी प्रोफाइल था, ये हमारा क्या फ्रंट का, जो हम लोग फ्रंट से देख रहे हैं, जो हमारा ये जो बेस है जो रेस्ट कर रहा है, तो हमारा कुछ ऐसा व्यू दिखेगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा फिर से प्रोफाइल पे आऊँगा। यहाँ पे अब मैं थोड़ा नेमिंग कर दे रहा हूँ, तो नेमिंग के लिए मैं इसको ले रहा हूँ A1, या इसको मैं A B C D E कंसिडर कर रहा हूँ। और इसका जो बैक का होगा वहाँ पर हम लोग नेमिंग कर देंगे A1, इसको मैं नेमिंग दे दूँगा यहाँ पर A1, B1, C1, D1 और E1। इस पर हम लोग इसको क्या कर लेंगे, नेमिंग कर लेंगे। यहाँ पे इसको थोड़ा नेमिंग कर ले रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट में जा रहा हूँ और टेक्स्ट में जाकर तो कलर को मैं चेंज कर ले रहा हूँ। यहाँ पे हमारा ये हो गया ए। और एक ए इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ। ये हो गया हमारा बी, इसको मैंने नेमिंग कर दिया सी, और इसको नेमिंग हो गया डी, और इसको मैंने नेमिंग कर दिया ई का। ठीक है, ये ABCD हमने डिफाइन कर लिया, लेकिन ये हमारा फ्रंट का है। अब बैक का जो नेमिंग होगा, तो हम फ्रंट से देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा ABCD हो गया। अब इसका जो बैक का प्रोफाइल है A1B1, उसको भी हम लोग यहीं पे डिफाइन कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से पेस्ट करूँगा, या इस कॉर्नर पे मैं इसको नेमिंग कर दे रहा हूँ। ये हमारा A1 हो गया। इसको मैंने B1 कर दिया, A1 B1। सेम यहाँ पे मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ये हो गया हमारा C1। अब यहाँ पे मैं इसको D1 कर दे रहा हूँ इस पॉइंट पे। ये जो हमारा वर्टेक्स है, यहाँ पे हमारा ये हो गया D1, और यहाँ पे हमारा हो गया E1। हम ड्रो करेंगे तो इस तरह हमने नेमिंग इसको कर लिया E1 का, सॉरी ये हमारा E1 हो गया, A1 B1 C1 D1 हमारे कर लिया। अब हमारा ये तो फ्रंट से हम लोग जो देख रहे थे, हमारे ये प्रोफाइल ऐसा कुछ दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जब टॉप से, ये फ्रंट का था हमारा, टॉप से हमारा जो प्रोफाइल दिखेगा, क्योंकि जब हमें फुल्ली प्रोजेक्शन जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे जो क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रोजेक्शन ऑफ पेंटागोनल प्रिज्म का, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो हमारा एक्सिस रोटेट करेगा, तो उसे भी हम लोग क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो फ्रंट का हो गया, टॉप से इसको प्रोजेक्शन को हम लोग फाइंड आउट कर ले रहे हैं। तो फिर से मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा अपना लेयर को, और अभी मैं रेफरेंस लाइन ले रहा हूँ, और मेन प्रोफाइल से मैं कुछ गैप, यहाँ पे मैं 20 mm का गैप ले रहा हूँ। आप लोग भी को 20 mm का गैप यहाँ पे छोड़ कर ही डिफाइन करना, ज़्यादा बेटर होगा चीज़ों को समझने में। तो मैं 20 mm का यहाँ पे गैप, मैं 10 भी ले सकता हूँ, लेकिन 50 mm ले लूँ, 15 या 20 जो भी लेना है, एक सिलेंडर में ही लेकर चल रहा हूँ, थोड़ा गैप होगा तो प्रॉपर होगा। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, जो हमारा लाइन का लेंथ होगा, हमारा कितना लेंथ था टोटल, तो इसको बस मैं यहाँ पे सिंपली डिफाइन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे ये ऐसा डिफाइन हो जाएगा, और हमारा जो लाइन जाएगा यहाँ पे, ये टोटली जो लेंथ है इसका, यहाँ से यहाँ तक, सॉरी, यहाँ पे ड्रॉ हो गया, सॉरी इसको डिलीट कर लेते हैं। और इस पॉइंट पे लाके इसको मिला देंगे, ये हमारा रेफरेंस लाइन है। अब हमारा जो मेन प्रोफाइल होगा, इसके बाद हम लोग अपना मेन प्रोफाइल जो है उसको डिफाइन कर लेते हैं, इसके एक्सेस को यहाँ पे, क्योंकि जब टॉप से देखेंगे तो ये एक्सेस हमारे क्या होगा शो करेंगे, इसलिए मैं ये एक्सेस को डिफाइन कर ले रहा हूँ।
इसको थोड़ा ठीक कर ले रहा हूँ यहाँ पे मैं कलर को चेंज करके। टोटल लेंथ हमारा 50 का था तो बहुत ही इजीली हमने टॉप प्रोफाइल को इसको मैं यहाँ पे डिफाइन कर लिया। सॉरी मैंने कलर चेंज नहीं किया। अब जब टॉप से देखेंगे तो टॉप से हमारे जितने भी एज है ये भी एज दिखेंगे, ये भी एज दिखेंगे, ये जो हमारे एज हो गए ये एज दिखेंगे। ये हमारा फाइनल का टॉप से हमारा ये हो गया प्रोफाइल, कुछ इस तरह हमारा टॉप प्रोफाइल दिखेगा यहाँ पे। और ये जो लाइन होगा ये जो अंदर का, क्योंकि जब टॉप से देखेंगे तो ये तो हमें दिखेगा नहीं, तो हमारा डैश लाइन से रिप्रेजेंट होगा, तो इसको हम लोग डैश में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैं इसको डैश लाइन से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। डैश जो होगा हमारा डैश लाइन होगा, और थिकनेस को मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ। सॉरी कलर फिर चेंज नहीं किया, मैं कलर को चेंज कर ले रहा हूँ यहाँ पे। प्रॉपर्टीज में जाके प्रॉपर्टीज अब सही है, प्रॉपर्टीज में सॉरी मैं कलर चेंज करना था और इसको ब्लैक कर लेना है। यह हमारा फ्रंट का प्रोजेक्शन है, यह हमारा टॉप का प्रोजेक्शन है। नेमिंग कर ले रहे हैं, थोड़ा सा मैं नेमिंग कर देता हूँ। जब फ्रंट से हम देखेंगे तो ये क्या होगा हमारा ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा डी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ई, सॉरी यहाँ पे हमारा ई, हमारे ई का पोर्शन है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे नेमिंग कर दे रहा हूँ सभी को। नेमिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नेमिंग को एकदम प्रॉपर करना है ताकि कन्फ्यूज ना हो बाद में चल के। तो नेमिंग को हम लोग हमारा ये ई वन हो गया, इसको मैं ई कर दे रहा हूँ ई। ये हो गया हमारा, ये हमारा बी हो जाएगा, ये सी, इसको मैं सी डिफाइन कर ले रहा हूँ सी, और ये हमारा डी हो गया। सेम ये क्या हो जाएगा तो ये ई वन, इसको मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ ई वन, ये ई वन हो गया हमारा यहाँ पे प्रीवियस का, ये ए वन हो जाएगा, ये हमारा ए वन हो गया ए वन, ये हमारा डी वन हो गया डी वन, ये हो गया हमारा बी वन बी वन, और ये हो गया हमारा सी वन सी वन। ये हमने नेमिंग कर दिया। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया सिंपली सा, जब हम लोग इसको रोटेट नहीं किए थे 45 डिग्री पे, तो अगर प्रोजेक्शन को फाइंड आउट करना होगा तो हम लोग ये प्रोजेक्शन को फाइंड आउट कर देंगे। लेकिन अभी हमें क्या करना है, जब ये 45 डिग्री पे जाएगा तो हमें इसको इसके प्रोजेक्शन को फाइंड आउट करना है, तो उसे हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं क्लाइंट को सॉरी वहाँ से तो चेंज कर लेगा मेरे वाई लेयर में, और कितने 45 डिग्री से एंगल, जितने एंगल पे था तो यहाँ मैं 45 डिग्री एंगल पे इसका रोटेशन को मैं लूँगा। ये 45 पे इसको मैं यहाँ पे एंगल स्विच यहाँ पे डिफाइन कर रहा है एंगल, तो यहाँ पे मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ 45 पे, हमारा 45 का डिफाइन हो गया। अब हमें क्या करना है, तो ये जो लाइन, क्योंकि ये इसके रिस्पेक्ट में हमारा सारा प्रोफाइल ये हमारा यहाँ पे ड्रॉ होगा, तो अभी हमें क्या करना है, मैं ये क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा क्या होगा, हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है इसके मिड से सेंटर से, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इसको हम लोग लेके चल रहे हैं। जो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा सारे लाइन जो इसको डिफाइन करेंगे, तो जो इसका सेंटर पॉइंट होगा ये हमारा यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमें फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये लाइन को 45 डिग्री पे यहाँ पे इसको मैं 45 डिग्री पे हमारा 45 डिग्री पे है। अब हमें क्या करना है, तो एक पॉइंट कहीं भी हम कंसीडर कर सकते हैं, उस पॉइंट को मैं यहाँ भी इस पॉइंट को चाहूँ तो कंसीडर कर सकता हूँ, पॉइंट इस पॉइंट पे यहाँ पे
तो मैं यहाँ पे सिंपली सा एक कलर को डिफाइन करके ताकि सारी चीज़ क्लियर हो, और फॉर्मेट में थोड़ा मैं पॉइंट का स्टाइल को चेंज कर दे रहा हूँ, पॉइंट और मैं एक रेंडम पॉइंट यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ, पॉइंट यहाँ पर कहीं, यहाँ पर कहीं, साइज बहुत ही साइज फॉर्मेट में मल्टी, मैं यहाँ पे पॉइंट स्टाइल में थोड़ा सा साइज को अगर मैं बढ़ा देता हूँ, मल्टी पॉइंट स्टाइल, सॉरी फॉर्मेट पॉइंट स्टाइल, इसको मैं कर रहा हूँ ये 300 है, लेकिन यहाँ पे हमारे पॉइंट यहाँ पे डिफाइन हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा लार्ज हो गया, थोड़ा सा और स्मॉल कर ले रहे हैं इसको, 3 को मैं 1 इनफ है। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट क्योंकि जब हमारा प्रोफाइल ये रोटेट हो रहा है, ये जो हमारा एक्सेस ऑफ रोटेशन है 45 डिग्री का, इसे रोटेट होगा, तो रोटेट होने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, इसको रोटेट करना, तो हमें ये लेंथ को पहले मैं देख लेता हूँ, ये हमारा लेंथ कितना है, तो हमने इसको डिफाइन कर रखा था, ये जो हमारा एंगल लेंथ है ये हमारा कितने का है, ये हमारा 50 का है। तो अभी सिंपली हमें क्या करना है, हमें यहाँ से मैं फिर से जा रहा हूँ, सेम चीज़ को फॉलो करूँगा, सेंटर स्टार्ट एंड, आप लोग को सिंपली करना क्या है, तो सिंपली करना है क्या, ये पॉइंट से 50 जो 50 का लेंथ है, 50 लेंथ पे हमें यहाँ पे इसको क्या करना है, मार्क करना है जो हमारा लेंथ है 50 का। तो एक मिनट रुकिएगा, मैं यहाँ 50 फुट कर रहा हूँ, सिंपली कंपस से जाना है और इसको यहाँ पे कट कर देना है, कुछ ज़्यादा बड़ा कट मैंने मार दिया, मैं फिर से एक बार रिपीट करूँगा, इस पॉइंट से छोटा सा कट मिलूँगा 50 पे और छोटा सा मैंने कट कर दिया, ये हमने डिफाइन कर दिया, ये हमारा जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं यहाँ पे कॉपी कर ले रहा हूँ कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं इसको भी कर दे रहा हूँ, यहाँ पे हमारा ये D1 पॉइंट आ गया, और यहाँ पे हमारा जो पॉइंट होगा वो D पॉइंट होगा, कंट्रोल सी कंट्रोल, यहाँ पे क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा ये है और डायरेक्ट मैंने इसको यहाँ से डिफाइन कर रहा हूँ, तो ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारे जो ये प्रोफाइल बन रहा है एग्जैक्ट क्या है हमारा, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमारे कितना एंगल को बना रहा है, तो 90 डिग्री का बना रहा है, तो हमें 90 यहाँ से एक 90 डिग्री का हमें क्या करना है, एक लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करना है, 90 डिग्री का लाइन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो देखिएगा अभी हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे और ये जो लेंथ है, सबसे पहले सिंपली हम लोग क्या करेंगे, पहले तो मैं लाइन को इसको ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ से, तो देखिएगा मैं रेफरेंस में जा रहा हूँ और यहाँ पे लाइन ले रहा हूँ, और ये जो लाइन होगा इससे 90 डिग्री पे, तो ऑलरेडी मेरा 45 डिग्री, तो 45 डिग्री पे मैं ले रहा हूँ, और एक रेंडम लाइन लूँगा मैं यहाँ पे, आप एंगल चेक कर सकते हो यहाँ पे, 90 डिग्री का हमारा एंगल है यहाँ पे। सिंपली आप लोग भी क्या करना है, यहाँ पे प्रोटेक्टर को रखना है, 90 डिग्री का एक लाइन ड्रो कर लेना है, सिंपली सेम चीज़ को हम लोग यहाँ भी रिपीट करेंगे, और यहाँ से मैंने इसको ला करके यहाँ पे कॉपी कर दिया, और कुछ नहीं मैंने किया, ये तो हमने इसको रोटेशन को डिफाइन कर दिया, इस जो भी हमने डिफाइन कर रहा हूँ ये हमारा रेफरेंस का है। अब हमें क्या करना है, ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ का लेंथ को हमें मेजर करना है, और यहाँ पे वो कट मार्क देना है, यहाँ से यहाँ का जो लेंथ होगा उसको हम लोग पहले मेजर कर लेते हैं कितने का है। तो यहाँ पे मैं लीनियर में जा रहा हूँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट का 20.23, तो सिंपली मैं जाऊँगा और देखिएगा 20.23, और ये सॉरी 20.23 पे यहाँ पे सिंपल सा कट यहाँ पे दे देना है, इसको मैं यहाँ पे मेजर कर ले रहा हूँ, एक मैं और कट कर लेता हूँ, इससे क्या होगा ओवरऑल को मैं डिफाइन कर लूँगा, तो मैं थोड़ा सा इसको मेजर कर लेता हूँ यहाँ से सेंटर से, फिर ये सेंटर से कितने का है, तो ये है 12.5 का। तो इस लेंथ को भी क्या करेंगे हम लोग, सेम चीज़ को फिर से रिपीट करेंगे 12.5 पे इसको मैं फिर से एक कट कर रहा हूँ, ये हमारा डिफाइन हो गया परफेक्ट।
और इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये सारे को मैं डिलीट कर ले रहा हूँ, ये सारे को यहाँ से इसको मैंने यहाँ पे मिरर कर लिया, और ये रेस्ट बाकी जो ये बचा है उसको भी हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे ये कटिंग पॉइंट के साथ, और इसको मैंने कर लिया कॉपी यहाँ से, और यहाँ पे मैं लाके इसको पेस्ट कर दूँगा। अब हमें क्या करना है, सारे कटिंग पॉइंट मिल गए हैं तो अब इजीली हमें क्या करना है, तो हमें लाइन को ड्रॉ कर लेना है। मैं कलर को चेंज कर रहा हूँ, मैं कलर बस इसलिए चेंज कर रहा हूँ ताकि आप लोग को आइडिया लगे कि एक्चुअल में हम लोग कैसे काम कर रहे हैं सारा कुछ जो भी है। अब यहाँ पे हमें डिफाइन करना है, अब जो मेरा मेन प्रोफाइल बनेगा कुछ ऐसा बनेगा यहाँ से यहाँ, इससे क्या होता है ओवरऑल हमारा प्रोफाइल एक बहुत ही ईजी वे में हमारा ये ड्रॉ हो गया। इसके एंगल जो भी हमारा एंगल ऑफ रोटेशन था उस पर जो हमें चाहिए था एक्चुअल में उसके रिस्पेक्ट में हमने सारा कुछ डिफाइन कर लिया इस पॉइंट पर। अब हमें क्या करना है, नेमिंग कर देना है, तो ये D1 और नेमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे का जो कंसेप्ट है विदाउट नेमिंग हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मैं नेमिंग करूँ ताकि हमें आइडिया लग जाए कि कैसे हमें कहाँ पे किस पॉइंट को डिफाइन करना है, इसलिए नेमिंग हमेशा करते रहेंगे हर एक पॉइंट को। ये हमने डिफाइन कर लिया, अब हमें क्या करना है, ये हमें टॉप का जो हमारा टॉप से टॉप का जो हमारे प्रोफाइल था वो ड्रॉ हो गया। एक मिनट, मैंने ये इसको क्या करना है, एक लाइन जो हमारा इसको मैंने अभी नहीं डिफाइन किया है, टॉप से हम लोग देखेंगे तो ये भी हमारा क्या होगा डैश होगा, तो इसको भी थोड़ा सा मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ। हाँ, हमारे प्रोफाइल अब प्रॉपर डिफाइन हो गया, टॉप से जब हम लोग देखेंगे तो ये बॉटम का जो ए से वो हमें दिखेगा, वो हमें डैश लाइन से रिप्रेजेंट होगा, तो इसको मैंने डिफाइन कर लिया है। अब हमें क्या करना है, तो फ्रंट से जब इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो फ्रंट से हमें डिफाइन करना है, तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या कर ले रहा हूँ, फिर से अपने रेफरेंस लाइन पे मैं जा रहा हूँ, क्योंकि जो भी हमारा प्रोजेक्शन होगा देखिएगा यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे यही है, सॉरी मैंने ये लाइन इस पॉइंट से इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, जो लेंथ होगा जो इससे थोड़ा सा एक्सटेंड करके रखेंगे ताकि इजली सारे पॉइंट हमारे इसके बीच में आ जाए, क्योंकि जब हम लोग इसको फ्रंट से देखेंगे तो जो हमारा एक्चुअल जो व्यू होगा ये यहाँ से यहाँ तक हमारा इसको डिफाइन करेगा, तो इसलिए मैंने लाइन को ड्रॉ कर लिया है। और जो भी लाइंस हैं यहाँ पे उस सारे लाइंस को भी हमें क्या करना है, यहाँ एक्सटेंड कर लेना है ताकि हमारे जो कटिंग पॉइंट्स हैं वो हमें ईजिली हम लोग क्या कर सकें, उसको आइडेंटिफाई कर सकें। यहाँ पर ये पॉइंट आ गए, ये पॉइंट्स जितने भी पॉइंट्स हैं सबके रिस्पेक्ट में हमें यहाँ पे इसको डिफाइन करके चलना है। सारे पॉइंट्स हमारे यहाँ पे डिफाइन हो गए, अब क्या करना है, तो यहाँ से इसको भी डिफाइन करना है, तो इस पॉइंट को यहाँ पे लेके चलेंगे और इसको यहाँ पे ये डिफाइन कर देंगे, यहाँ तक हमारा ये डिफाइन हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पॉइंट को फाइंड आउट करना है। पॉइंट को फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं सिंपली ड्रॉ में जा रहा हूँ और यहाँ से मैं मल्टीपल पॉइंट को कंसीडर कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जैसे E1 पॉइंट है, तो E1 पॉइंट कहाँ पे डिफाइन हमारा होगा, तो ये E1 जहाँ पे हमारा ये पॉइंट E1 और E1 यहाँ पे मैच कर रहा है, तो हमारा ये E1 पॉइंट यहाँ पे डिफाइन हो गया। थोड़ा सा मैं कलर को इसको चेंज कर रहा हूँ ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो, यहाँ पे मैं कलर को चेंज कर रहा हूँ, और फिर से मैं पॉइंट को इससे क्या हो, जैसे E1 पॉइंट हमारा E1 एक E1 यहाँ पे हमारा डिफाइन होगा, E1 पॉइंट हमारा ये डिफाइन हो गया, फिर ये D1 पॉइंट, तो D1 ये पॉइंट ये कहाँ पे अगर डिफाइन होगा, तो ये हमारा D1 का हो गया, ये D1 का यहाँ पे डिफाइन होगा, फिर हमारा E1 कहाँ पे, तो यहाँ पे कहीं E1 है, तो यहाँ पे हमारा ये E1 आ गया, ये D1 डिफाइन हो गया। B1 कहाँ पे, तो B1 यहाँ पे लाइक कर रहा है, तो D1 यहाँ पे हमने डिफाइन कर लिया,
यानी ये B1, ये B1 हमारा जहाँ इंटरसेक्ट करेगा तो हमारे पॉइंट डिफाइन हो जाएगा। अब आगे हमारा C1 पॉइंट, तो C1 कहाँ पे लाइक करेगा, तो ये C1 का हमारा पॉइंट ही डिफाइन हो गया। सेम हम लोग रिपीट करेंगे जो हमारा फ्रंट केज के लिए था, तो E1 पॉइंट हमारा कहाँ पे लाइक करेगा, तो ये E1, और ये E1 यहाँ पे हमारा ये E1 का पॉइंट आ गया। ए का पॉइंट, तो ए का हमारा पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब डी का पॉइंट कहाँ पे लाइक करेगा, तो डी का, ये हमारा डी का पॉइंट यहाँ पे डिफाइन हो गया, ये हमारा डी का पॉइंट डिफाइन हो गया। अभी इसमें हम लोग नेमिंग भी करेंगे, जैसे अभी मुझे इस तरह डिफाइन करना था, जैसे कंट्रोल मैंने यहाँ पे कर दिया, ये हमारा E1 का पॉइंट हो गया। E1 का पॉइंट कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे हमारा ये E1 का पॉइंट यहाँ पे आ गया। D1, ये हमारा यहाँ पे D1 आ गया। अब आ गया ये B1 कंट्रोल सी, और हमें यहाँ पे कहाँ पेस्ट करना है B1, तो B1 हमारा यहाँ पे लाइक कर रहा है, तो यहाँ पे हमने इसको B1 को डिफाइन कर लिया। अब हमारा C1 पॉइंट है, तो C1 कहाँ पे होगा, तो जहाँ पे C पॉइंट और ये C पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे हमारा C1 पॉइंट डिफाइन हो गया। सिमिलर पहले मैं पॉइंट को डिफाइन कर लेता हूँ, उसके बाद नेमिंग भी कर दूँगा, नेमिंग भी इजिली डिफाइन हम कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे थिंग डिफाइन कर लिया, डी डिफाइन हो गया हमारा ए, और बी डिफाइन करना है, तो बी कहाँ पे, तो बी ये पॉइंट पे, इसका और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा। सी का हमारा कहाँ होगा, तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंट पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा, तो इसको हमने डिफाइन कर लिया। और सेम इस चीज़ को फिर से हम लोग रिपीट करेंगे, ये हमारा C1 का पॉइंट यहाँ पे, ये हमारा C1 हो गया, और यहाँ पे हमारा B1 आ गया, और D1 यहाँ पे, डी का जो हमारा पॉइंट है, सॉरी डी का, ये हमारा डी का आ गया, और हमारे यहाँ पे ये जो पॉइंट है ए का, ये पॉइंट हमारा ए का यहाँ पे डिफाइन हो गया, और हमारा क्या रह गया, ए का पॉइंट, तो ए का पॉइंट हमारा यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा, ये हमारा ए का पॉइंट हो गया। अब फिर से एक बार हमारे प्रॉब्लम पे, जब हम लोग फ्रंट से देखेंगे, ये तो हमारा फ्रंट का टॉप का व्यू है, जो हमारा एंगल ऑफ रोटेशन 45 डिग्री पे हुआ, उसके बाद जो हमारा व्यू दिखेगा, तो ये सारे एज, ये सो एज हो गई, ये एज हमारा शो होगा और ये एज हमारा शो करेगा, और बाकी ये जो होगा हमारे हाइट होंगे। अब इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो कैसे हम लोग करेंगे, चलिए तो फिर से हम लोग चलते हैं, उसको मैंने ब्लैक कर लिया और लाइन में जा करके, क्योंकि जो डायग्राम है, डायग्राम में ईजिली वो हमें सारे कुछ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमारे हिडन एज होंगे उनको हम लोग कैसे डिफाइन कर देंगे, तो बस मैं उसको फॉलो करते हुए चल रहा हूँ, ताकि आप लोग कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ से यहाँ ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे, और ये पॉइंट यहाँ पे आ गए, और यहाँ से ये आपको पॉइंट को आकर मिल गए। अब यहाँ पे देखना है ये एज भी हमारा क्या होगा, रिप्रेजेंट होगा, तो इस एज को भी हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एक मिनट रुकेगा, जैसे ये सी पॉइंट, सी से हमारा ये एज को रिप्रेजेंट होगा, तो सी से ये एज जो है यहाँ पे हमारा ये एज यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया। अब क्या होगा, कुछ हिडन एजेस जो है वो हिडन एज यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट होंगे, जैसे कि ये जो एज है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एज होगा, यहाँ पे इसको भी रिप्रेजेंट करना है, लेकिन वो क्या होगा, हमारा हिडन एज होंगे, जिसको पहले मैं यहाँ से यहाँ रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, और लेकिन मैं ये क्या होंगे, जो एज होंगे हमारा, वो हमारा हिडन होगा, क्योंकि जब ये फेस से हम लोग देखेंगे तो जो हमारा प्रीवियस एज है वो हमारा क्या होगा, हिडन होगा, तो इस तरह करके हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का एट 45 डिग्री एंगल, इसको मैं सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे। पेंटागन प्रॉब्लम था हमारा, ये पेंटागन प्रोजेक्शन। थोड़ा सा यहाँ पे इसको ओके
इस डायमेंशन या डायमेंशन में डिफाइन कर दे रहे हैं। यहाँ से यहाँ पे जो हमारा ये है हमारा 25 का सॉरी लाइन ये पॉइंट और ये पॉइंट